जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स अब कैडेट्स बनने जा रहे हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें करनी है इस बचे हुए टाइम फ्रेम में। तो एनडीए की फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है एंड 628 कैडेट्स हैव मेड इट टू द लिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू, चाहे वो OIR 1 हो चाहे वो OIR 2 628 हो। यू ऑल हैव अचीव्ड समथिंग विच इज़ वेरी प्रेशियस एंड नॉट एन ईजी टास्क टू डू, स्पेशली इस एज ग्रुप में जबकि आप सिर्फ 12th क्लास पास किए और आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। सो बिल्कुल भी अपना दिल छोटा मत करना वेदर यू आर गेटिंग मेरिट आउट और यू आर गेटिंग मेरिट इन, बिकॉज वॉट यू हैव डन इज़ समथिंग दैट नीड्स अप्रिसिएशन थ्रू आउट योर लाइफ। ये चीज़ आपको आगे हमेशा मोटिवेट करेगी, पुश करेगी टू डू वेल इन लाइफ। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है। डोंट फील दैट कि मेरी रैंक 600 के बाद आई है तो मैंने अच्छा नहीं करा, और ऐसी कोई भी चीज़ों से खुद को जज मत करो, बिकॉज वॉट यू हैव डन इज़ एक्सेप्शनल। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल अगेन। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ चीज़ें भगवान पे और टाइम पे छोड़ दो। लेट द टाइम डिसाइड, लेट द गॉड डिसाइड कि क्या होगा क्या नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें करना क्या है। सो जनरली होता क्या है कि दिसंबर के लास्ट वीक से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है इन अ बैच ऑफ 25 to 30 कैडेट्स। आपको ज्वाइनिंग लेटर आने लगेगा एज़ पर योर मेरिट एंड एज़ पर दी सर्विस ऑफ योर चॉइस, उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो होता ये है कि सपोज़ मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है किसी कैडेट की और उसकी जो फर्स्ट चॉइस है वो उसके लिए फ़िट है, तो वो सीधे सपोज़ उसकी चॉइस थी एयरफोर्स एंड ही इज़ फिट फॉर एयरफोर्स, तो उसको एयरफोर्स की लिए ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, सर्विस अलॉटेड एयरफोर्स। इन द सिमिलर वे सपोज़ AIR 2 जो है वो उसकी चॉइस तो एयरफोर्स थी बट ही इज़ फिट फॉर आर्मी, बट सिंस ही इज़ सेकेंड इन मेरिट तो उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी उसको। इफ़ ही इज़ नॉट फिट फॉर एयरफोर्स उसको जो सेकंड चॉइस है अगर वो उसके लिए फिट है तो वो मिल जाएगी, अगर वो थर्ड चॉइस के लिए फिट है तो थर्ड चॉइस मिल जाएगी, बीएड आर्मी और नेवी डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। तो मतलब ये कि मेरिट में आप जिस भी ऑर्डर पे हो उस ऑर्डर पे एज़ पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स आपको सर्विस अलॉट हो जाएगी। तो सपोज़ आप AIR 10 है आपका, आपकी फर्स्ट चॉइस आर्मी थी तो आपको आर्मी ही मिलेगी। अकेडमी को ज्वाइन करने के बाद अगर आप सर्विस चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम मिलता है इन अ बाय द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म यू कैन स्टिल चेंज योर स्ट्रीम्स, और या फिर आप अपना ये चेंज कर सकते हो सर्विस। जैसे किसी ने आर्मी ज्वाइन कर ली, आर्मी का कॉल लेटर आया बट ही वॉन्ट्स टू चेंज सर्विस टू नेवी और एयरफोर्स, तो दैट इज़ अलाउड बट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म। और ये सारी चीज़ें अकेडमी में जाके आपको नोटिस मिलता रहता है कि किसी को चेंज करनी है सर्विस तो उसके लिए क्या क्या करना है, वो वहाँ पर जाके आपको आराम से पता चल जाएगा। तो अभी उस सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू ये था सर्विस अलॉटमेंट को लेके कि अगर आप मेडिकली फिट हो और आपकी रैंक अच्छी है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू द अकेडमी, देर इज़ नो डाउट, नो वन कैन स्टॉप यू। तो अकेडमी की ज्वाइनिंग 23 या 24 दिसंबर के अराउंड से शुरू हो जाएगी। और अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है ये डिपार्टमेंट UPSC का था, तो इन्होंने क्या किया है कि बेस्ड ऑन दी मार्क्स, आपके जो रिटन में मार्क्स थे और SSB में मार्क्स थे उनके बेसिस पे इन्होंने मेरिट लिस्ट बना दिया। अब पूरा जो काम है वो DG रिक्रूटिंग का होता है विच इज़ इन न्यू दिल्ली। तो अब पूरा काम जो है आर्मी हेडक्वार्टर से होगा कि भाई किसको अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस के हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से और रैंक के हिसाब से सर्विस के ज्वाइनिंग लेटर देने हैं, और इसमें 1 महीने का टाइम आराम से लग जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जितने भी कैडेट्स हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परेशान मत हो, इधर उधर टाइम मत वेस्ट करो कि भाई इस कोचिंग से देख लेते हैं ये देख लेते हैं कब क्या होगा कब क्या होगा, जो होना है वो अपने टाइम से ही होगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ, तुमने बहुत कुछ कर दिया ऑलरेडी, जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय। ये टाइम आपको खुद को देना चाहिए, अपनी फैमिली को देना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को देना चाहिए, बिकॉज वंस यू ज्वाइन द एकेडमी आपको 6 महीने में एक बार घर आने का मौका मिलेगा। लाइक अभी जनवरी दिसंबर एंड जनवरी में ज्वाइनिंग होगी तो आप सीधे मई एंड में जून स्टार्ट में घर आओगे फॉर अ मंथ, अगेन यू विल बी गोइंग बैक, और ये साइकिल चलेगी फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। मतलब थ्रू आउट लाइफ लगभग ऐसा ही रहने वाला है कि आप बहुत कम टाइम के लिए आओगे आओगे घर, और वो भी ज़्यादा टाइम स्पेन में कम टाइम के लिए घर आओगे, तो यही रहने वाला है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू एन्जॉय दिस टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स या जो भी लोग आपके खास हैं आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ इस टाइम में। मूविंग ऑन टू थिंग्स टू डू बिफोर ज्वाइनिंग द अकेडमी, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस का वेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दोज हु आर वेरी श्योर ऑफ गेटिंग द ज्वाइनिंग लेटर, आप सीधे मैं साइट दिखा देता हूँ, joinindianarmy.nic.in पर जाओ और ये ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस लास्ट कोर्स के डाउनलोड कर लो, ये मैंने डिस्प्ले कर दिया, इसको डाउनलोड कर लो। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं ना, बॉन्ड बनवाना होता है, अग्रीमेंट होता है, एक नो रिस्क अग्रीमेंट और ऐसे ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं, तो ये मोर और लेस टोटली यही रहता है, बस आपका कोर्स नंबर चेंज करके एक और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस अपलोड कर दिए जाते हैं। तो इनमें आप कुछ डॉक्यूमेंट्स
के प्रिंटआउट निकलवा के रख सकते हो, जो कोर्ट वोट के काम है वो करवा सकते हो, लीगल बॉन्ड बनवा सकते हो अभी, ताकि बाद में आपको ज़्यादा मतलब टाइम ज़्यादा मिल जाए, तो ये चीज़ें अभी कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक लिस्ट आती है, थिंग्स दैट अ कैडेट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी, तो उसमें ट्रंक लिखा होता है, जो बॉक्स होता है वो आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अकेडमी में इशू हो जाता है आफ्टर यू मेक अ पेमेंट ऑफ 1200-1300 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट, उसमें आपको इशू हो जाता है, तो वो आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो गेम्स के इक्विपमेंट्स लिखे हैं, अगर आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा खेलते आ रहे हो, यू हैव दोज इक्विपमेंट्स विद यू, तो लेके जा सकते हो, वरना ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अकेडमी में इशू होती हैं। लेट्स एग्जाम्पल के लिए, सपोज़ आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो, आपके पास स्टड्स हैं, आप कैरी कर सकते हो, बट टेनिस रैकेट और बैडमिंटन रैकेट ये सब लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू प्ले इट, यू आर प्लेइंग दैट गेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर। प्रोफेशनल इन द सेंस मतलब आप खेलते हो, यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द गेम, यू हैव ऑल दीज इक्विपमेंट्स एट योर होम, तो कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ जूनियर टर्म में अभी जा रहे हो, यू विल बी अ फर्स्टमर, तो बहुत सारा ये एक्स्ट्रा चीज़ें मत लेके जाओ, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये सब, बिकॉज यू वोंट बी गेटिंग टाइम। बाकी आपके क्लब डेज होते हैं वीक में, 2 दिन क्लब्स होते हैं, तो उसमें म्यूजिक क्लब ऑप्ट कर लेना, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू लाइक, पेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिबेटिंग, क्विजिंग, जो भी अच्छा लगता है उसके हिसाब से यू कैन ऑप्ट फॉर क्लब्स एंड यू विल बी अलाउड टू गो। तो इन सब चीज़ों के लिए वो लिस्ट तो बहुत अच्छी लगती है देखने में, कि सब लेके जाना है, ये भी लेके जाना है, वो किसी काम का नहीं होता, तो सिर्फ काम की चीज़ें ही लेके जाना वहाँ पे। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस का मैंने आपको बता दिया है कि यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द साइट joinindianarmy.nic.in, पिछले कोर्स का ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना होता है, उसके लिए आई वुड से यू कैन वेट, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। कैडेट्स अकाउंट NDA के नेम पे आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है, उसकी अमाउंट कितना आएगा वो आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस में आएगा, तो फॉर दैट यू विल हैव टू वेट, वो DD लेके जाना होता है। डिमांड ड्राफ्ट होता ये कि जब आप डिमांड ड्राफ्ट लेके जाते हो और उसको वहाँ सबमिट करते हो, तो आपके नाम पे एक अकाउंट खुलता है अकेडमी में, एंड यू आर अलाउड, यू आर गिवन डेबिट कार्ड, ठीक है, एक डेबिट कार्ड मिलता है आपको SBI का, और उसमें एवरी मंथ यू गेट स्टाइपेंड, जो कि आप ही के पैसे होते हैं, तो NDA में स्टाइपेंड जैसा कुछ मिलता नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट आपका इतना सारा एक्सपेंस ऑलरेडी उठाती है, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है JNU की, तो ये हो गया, फिर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ वेरी हाई इन NDA, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे स्टाइपेंड अलग से नहीं मिलता। तो आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाते हो, वो जमा करते हो कैडेट्स ऑफिस में, कैडेट्स अकाउंट्स में, और उसके बाद आपका एक अकाउंट खुलेगा वहाँ पे, एंड इन दैट अकाउंट यू विल बी गिवन 2500 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर योर एक्सपेंसेस। साथ ही साथ यू कैन कैरी कैश, तो कैश कैरी करना हमेशा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मत लेके जाना, बट 10 to 15,000 शुड, 15,000 इज़ अ गुड अमाउंट टू कैरी, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि आप अकेडमी जाते हो, आपको सारी चीज़ें इशू होंगी, सारी रिग्स इशू होती हैं, और खाकी से लेके शूज़ से लेके गेम्स रिग से लेके सारी सारी रिग्स इशू होती हैं, बट कई बार क्या होता है उनका साइज़ सही नहीं होता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है गोल मार्केट से, तो वहाँ पे एक्सपेंस जो है मेनली इसी चीज़ का आता है। आप बैरे खरीदते हो, आप टर्म बैच खरीदते हो, स्कॉन बैच खरीदते हो, नेम टैप बनवाते हो, तो ये सारी चीज़ों का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और पता नहीं चलता। वेन एवर यू गो टू दैट मार्केट, वहाँ पे फील होता है कि 500 इज़ लाइक 100 रुपी नोट, 50 और 100 रुपी नोट ऐसे गायब हो जाते हैं वो। तो कैरी कैश, एंड डिमांड ड्राफ्ट के लिए यू शुड वेट, जब एक बार आपके कोर्स का ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं तब डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना। नाउ वन लास्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ द फिजिकल फिटनेस बिफोर ज्वाइनिंग द अकेडमी। देखो अगर आप, इफ़ यू आर नॉट इन गुड शेप, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर हेल्थ। सबसे पहले कि यू कैन स्टार्ट पिकिंग अप एनी टीम स्पोर्ट्स, कोई भी टीम गेम खेलना शुरू कर दो, वो आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा अच्छे शेप में आने में। साथ ही साथ यू कैन स्टार्ट रनिंग, 1.5-2 किलोमीटर आराम से रनिंग कर सकते हो, पुशअप्स, चिन अप्स एंड पुलअप्स, जिम विम जो भी जा रहे हैं, इन केस देर आर पीपल, अगर वो जिम वाला वो मेंटेलिटी है तो यू कैन स्टॉप डूइंग दैट एंड पिक कैलिस्थेनिक्स, क्योंकि अकेडमी में जाके जिम करने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा, एंड यू विल हैव टू डू कैलिस्थेनिक्स ओनली, और अब जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट होते हैं, वो सारे कैलिस्थेनिक्स पे बेस्ड हैं, जैसे कि पुशअप्स होगा उसका पार्ट, चिनअप्स होगा उसका पार्ट, ठीक है, शटल्स होगा, शटल रोप क्लाइंबिंग होगा, तो ये सारी चीज़ें करो जो आपको हेल्पफुल हो, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इवन 1 आवर इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, बट 1 घंटे डेली टाइम देना है, सो दैट वेन यू गो टू द अकेडमी डोंट फाइंड द ट्रेनिंग चैलेंजिंग। देखो ट्रेनिंग तो चैलेंजिंग होगी, बट फिजिकल स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे तो स्क्वाडन में ना एक्स्ट्रा वो नहीं होगा, कि प्रेशर नहीं बनेगा कि भाई इसको ट्रेन करना है, विद इन अ मंथ ही नीड्स टू पास हिज मैंडेटरी टेस्ट। तो अगर आप अच्छे शेप में जाते हो तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके सीनियर्स के लिए भी अच्छा होगा, आपके स्क्वाडन के लिए भी अच्छा होगा। सो दिस वॉज इट, इन दी एंड आई वुड अगेन से द सेम थिंग, कि जो भी AIR 1 है और जो AIR 628 है,
दे ऑल आर इक्वल, ठीक है। ये थोड़ा सा रैंक वैंक का चलता है जब तक ये रिजल्ट आता है, बट वंस यू ज्वाइन दी एकेडमी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा दो टाइम बाद, दो टर्म के बाद कि AIR1 कौन था अपने कोर्स का, तुम्हें याद भी नहीं होगा। तो डजेंट मैटर, यू ऑल आर गोइंग टू बी कोर्स मेट्स वेरी सून, सो जस्ट यूटिलाइज दिस टाइम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, यू ऑल आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू एंड जय हिंद।